यह कहानी परमहंस योगानंद द्वारा लिखी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी से ली गई है। इस कहानी में परमहंस योगानंद अपने बचपन की एक घटना के बारे में बताते हैं, जब वो बागस्वामी नाम के एक संत से मिले। एक ऐसा ताकतवर संत जो सिर्फ अपने हाथों से ही बाघ जैसे हिंसक जानवर को अपने बस में कर लेता था। कहानी बहुत ही रोमांचक और अद्वितीय है, इसलिए अंत तक देखें। कहानी में आपको शारीरिक ताकत और मानसिक संतुलन के अद्भुत सामंजस्य के बारे में जानने को मिलेगा। इस पूरी कहानी के दौरान हम परमहंस योगानंद को उनके बचपन के नाम मुकुंद से संबोधित करेंगे। आइए शुरू करते हैं। परमहंस योगानंद अपनी किताब में लिखते हैं, एक दोपहर मैं यूं ही बैठा हुआ था कि तभी पीछे से हाँफती हुई आवाज आई, मैंने बाघ स्वामी का पता खोज लिया है, चलो कल उनके पास चलते हैं। चंडी, जो मेरे हाई स्कूल का साथी था, उसके इस वाक्य ने मुझे प्रसन्नचित कर दिया। मैं ऐसे संत से मिलने को उत्सुक था जिनकी ख्याति थी कि वे अपने हाथों से बाघों से लड़ते और उन्हें पकड़ते थे। अगले दिन की सुबह काफ़ी ठंड थी, लेकिन मैं और चंडी अति उत्साह के साथ चल पड़े। कलकत्ता के बाहर भवानीपुर में बहुत खोज मशक्कत के बाद सही घर में पहुंचे। दरवाजे के बाहर लोहे के कुंडे लगे हुए थे जिन्हें मैंने तेजी से बजाया। इतनी कर्कश आवाज़ के बावजूद एक नौकर बड़े आराम से चहलकदमी करते हुए आया। उसकी प्रेम भरी मुस्कान इस बात का संकेत दे रही थी कि कितना भी शोर मचा लो, संत के घर की शांति भंग नहीं कर सकते। उसने हमें बरामदे में बुलाया। बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के बाद आखिर में नौकर द्वारा बुलाए जाने पर मैं और चंडी एक शयन कक्ष में गए। वहाँ प्रसिद्ध बाघ स्वामी अपने बिस्तर पर बैठे हुए थे। उनके विशालकाय शरीर को देखकर अजीब सा लगा। आंखें फाड़े हम उन्हें एक टक देखते ही रह गए। हाथी की तरह मजबूत कंधे, पत्थर की तरह मजबूत और चौड़ी छाती, फुटबॉल की तरह फूली हुई भुजाएं, पेड़ के तने की तरह मजबूत और मोटी जांघें, अत्यंत मजबूत और मोटी गर्दन पर स्वामी जी का उग्र दिखने वाला मगर शांत मुखमंडल, मूछ, दाढ़ी और लहराते बालों से आच्छादित था। उनकी काली बड़ी आंखों में हंस और बाघ जैसी चमक थी। एक बाघ की खाल जो उनकी मांसल मजबूत कमर पर लिपटी हुई थी। उसके अलावा उनके शरीर पर कोई अन्य वस्त्र नहीं था। उन्हें देखकर मुझे महाभारत के महाबली योद्धा भीम की याद आ गई। हमने आज से पहले इतना मजबूत शरीर वाला इंसान पहले कभी नहीं देखा था। किसी तरह से साहस बटोर कर हम दोनों ने उनका अभिवादन किया और फिर पूछा, क्या आप हमें बताएंगे कि जंगल के पशुओं में सबसे भयंकर जानवर रॉयल बंगाल टाइगर को परास्त करना कैसे संभव है? बाघ स्वामी ने कहना शुरू किया, मेरे बच्चों, मेरे लिए बाघों से लड़ना कुछ भी नहीं है। जरूरत पड़ने पर मैं आज भी उनसे लड़ सकता हूँ। फिर वह बच्चों की तरह हंस पड़े। उन्होंने आगे कहा, तुम बाघ को बाघ की तरह देखते हो, मैं उन्हें बिल्लियों की तरह देखता हूँ। मुकुंद ने कहा, स्वामी जी, आपके मजबूत शरीर को देखकर मैं यह तो विश्वास कर सकता हूँ कि आप किसी भी इंसान को चारों खाने चित्त कर सकते हो, लेकिन एक जंगली खुखार बाघ को भी। ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। बाघ स्वामी ने कहा, शक्ति निश्चित रूप से आवश्यक है। कोई इंसान जो बाघ को बिल्ली समझता है लेकिन शरीर से कमजोर है, तुम उससे जीत की उम्मीद नहीं कर सकते। मेरे शक्तिशाली हाथ ही मेरे अस्त्र हैं। फिर स्वामी जी ने उन दोनों को अपने साथ आंगन में चलने के लिए कहा, जहां दीवार के किनारे उन्होंने जोर से प्रहार किया। दीवार की एक ईंट टूटकर नीचे गिर पड़ी। दीवार की दूसरी ओर से प्रकाश अंदर आने लगा। आश्चर्य से भौचक्का होकर मुकुंद और चंडी ने सोचा, जो व्यक्ति अपने एक मुक्के से सीमेंट की इतनी मजबूत दीवार को तोड़ सकता है, वह बाघ के दांतों को तो निश्चित रूप से तोड़ सकता है। बाघ स्वामी ने आगे कहा, अनेक लोगों में मेरी तरह शारीरिक शक्ति तो होती है, लेकिन उनके अंदर एक मजबूत आत्मविश्वास की कमी होती है। जो शरीर से मजबूत मगर मन से कमजोर होते हैं, वे जंगली जानवर को देखते ही बेहोश हो जाते हैं। जंगल में रहने वाला हिंसक बाघ सर्कस के अफीम खाए बाघ से अलग होता है। ऐसा व्यक्ति जो शरीर से हरक्यूलस की तरह मजबूत मगर मन से कमजोर होते हैं, वे रॉयल बंगाल टाइगर के आगे डर के मारे बेबस हो जाते हैं। मनुष्य के इस डर के कारण बाघ ने मनुष्य को अपने मन में एक घबराई बिल्ली की तरह बदल दिया है। एक मनुष्य के लिए ये संभव है कि वह अपने बलिष्ठ शरीर और मजबूत मन की शक्ति से खुखार बाघ का पासा पलट सकता है और उसे मात्र एक भींगी बिल्ली में परिवर्तित कर सकता है। मैंने ऐसा 85 बार किया है। बाघ स्वामी की आत्मविश्वास भरी बातें सुनकर मुकुंद और चंडी को विश्वास होने लगा था कि उनके सामने बैठा महाबली साधु
बाघ को भी हरा सकता है। मुकुंद ने बाघ स्वामी से पूछा, मन का शरीर की शक्ति से क्या संबंध है? बाघ स्वामी ने कहा, मन ही शरीर की मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। जिस प्रकार हथौड़े की ताकत उस पर लगाई शक्ति के अनुपात में होती है, उसी प्रकार मनुष्य की शक्ति उसकी आक्रामक इच्छा शक्ति और साहस पर निर्भर करती है। शरीर को वस्तुतः मन ही बनाता है और उसे जीवित रखता है, लेकिन बाहरी दुर्बलता का कारण भी ये मन ही है। इंसान अपने आसपास के माहौल और अपनी बुरी आदतों की वजह से अपने शरीर को कमजोर बना लेता है, और फिर आदत से मजबूर यह शरीर मन की ताकत को नकारता है, और फिर यह जीवन कुचक्र इसी प्रकार चलता रहता है। यदि मास्टर स्वयं को नौकर द्वारा नियंत्रित होने देता है तो नौकर निरंकुश तानाशाह बन जाता है, और इसी प्रकार मन भी शरीर की आज्ञा का पालन कर उसका दास बन जाता है। मुकुंद और चंडी के बहुत अनुनय विनय करने पर बाघ स्वामी अपने जीवन के बारे में बताने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहना शुरू किया, बचपन से ही मेरा उद्देश्य बाघों से लड़ना था। मेरी इच्छा शक्ति तो मजबूत थी, लेकिन मेरा शरीर बहुत ही दुर्बल था। फिर मैंने दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन के दम पर अपने शरीर को मजबूत बनाया। मेरे लिए मन की इस अद्भुत शक्ति का महत्व और भी इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि मैंने पाया कि बंगाल के टाइगर को परास्त करने वाली यही शक्ति थी। फिर मुकुंद ने बीच में टोकते हुए पूछ लिया, पूजनी स्वामी जी, क्या आपको लगता है कि मैं कभी बाघों से लड़ पाऊंगा? जरूर, बाघ स्वामी मुस्कुरा रहे थे। फिर उन्होंने कहा, लेकिन बाघ के कई प्रकार हैं। कुछ मनुष्य की इच्छा वासनाओं वाले जंगल में यूं ही घूमते रहते हैं। पशुओं पर प्रहार करके कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। इससे अच्छा है कि अपने अंदर के बाघ को पराजित किया जाए। मुकुंद ने फिर पूछा, क्या हम आपसे जान सकते हैं कि कैसे आपने जंगली जानवरों को अपने वश में करने की बजाय अपने अंदर की जंगली वासनाओं को वश में किया? यह सुन बाघ स्वामी मौन हो गए। उनकी आंखों में एक दूरी नजर आने लगी, मानो वो अपने बीते हुए कल में खो गए थे। लेकिन फिर कुछ समय पश्चात वे मुस्कुराए और भारी आवाज में बोले, जब मेरी प्रसिद्धि अपनी पूर्ण ऊंचाई पर पहुंची तो वो अपने साथ घमंड का नशा भी लाई। मैंने तय किया कि ना केवल मैं बाघों से लड़ूंगा बल्कि लोगों को उसके विभिन्न कर्तव्य भी दिखाऊंगा। मेरा उद्देश्य था कि मैं इतने भयानक और हिंसक जानवर को एक पालतू जानवर की तरह व्यवहार करता दिखाऊं। मैंने अपना यह खेल जनता को दिखाना शुरू कर दिया। इसने मुझे खुशी से ओतप्रोत कर दिया। एक शाम मेरे पिताजी मेरे कमरे में चिंतामग्न स्थिति में आए और बोले, बेटा, मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कर्म की चक्की के कारण और असर से बचाना चाहता हूँ। पिताजी, क्या आप भाग्यवादी हैं? बेटा, मैं भाग्यवादी नहीं हूँ, परंतु मुझे पवित्र ग्रंथों में पढ़ाए गए प्रतिफल के नियम पर विश्वास है। जंगल परिवार में तुम्हारे प्रति क्रोध फैला हुआ है, वह कभी भी तुम्हारे जान के खतरे के रूप में सामने आ सकता है। पिताजी, आप मुझे आश्चर्यचकित कर देते हैं। आप यह भली भांति जानते हैं कि बाघ खूबसूरत मगर निर्दयी जानवर है। वह एक लाचार जानवर को मारकर और भरपेट भोजन करने के बाद भी एक नए शिकार को देखकर उसके अंदर फिर से शिकार करने की इच्छा जाग जाती है। बेचारा शिकार भले ही खुशियों से भरा एक हिरण हो जो जंगल में घास का आनंद ले रहा था, बाघ उसे पकड़कर निर्ममता से उसकी कोमल गर्दन को तोड़ देता है और फिर अपने रास्ते चला जाता है। पिताजी, कृपया करके आप मुझे एक बाघ को बस में करने वाले की तरह समझिए, कभी भी एक बाघ को मारने वाला नहीं। मेरा एक अच्छा कार्य कैसे मेरा नुकसान कर सकता है? और मैं आपसे याचना करता हूँ कि आप मुझे कुछ ऐसा आदेश ना दें जिससे मेरे जीने का तरीका बदल जाए। बाघ स्वामी ने आगे कहा, मेरे पिताजी ने बिना किसी भाव के मेरी सफाई सुनी। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में एक रहस्य उद्घाटन किया, बेटा, तुम एक भयंकर भविष्यवाणी मुझे कहने के लिए विवश कर रहे हो जिसे एक संत ने मुझसे कहा है। जब मैं रोज की तरह ध्यान पर बैठा हुआ था तो वह संत आया और बोला, प्रिय मित्र, मैं तुम्हारे विद्रोही पुत्र के लिए एक संदेश लाया हूँ। उसे अपने इस खतरनाक और खुखार गतिविधियों को बंद करने के लिए कहो, अन्यथा उसका बाघ के साथ सामना एक घातक घाव के रूप में खत्म होगा। अगले 6 महीने तक मरणासन बीमारी से जूझेगा, उसके बाद वह अपना पुराना रास्ता बंद कर देगा और सन्यासी बन जाएगा। इस कहानी ने मुझे जरा भी प्रभावित नहीं किया। मैंने इसे अपने पिता की भाग्यवादी भ्रांतिपूर्ण विचारधारा पर उनका सच्चा विश्वास समझा। मेरे पिता की चेतावनी के कुछ दिनों बाद मैं कूच बिहार की राजधानी गया। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यह शहर मेरे लिए नया था। मैंने अपने अंदर एक परिवर्तन की उम्मीद की। जैसा होता आया था, मेरे चारों ओर उत्सुक जनता सड़कों में मेरे पीछे पीछे थी। कभी कभी
मैं उनको यह फुसफुसाते हुए सुनता, यही वह आदमी है जो जंगली बाघों से लड़ता है। क्या ये उसके पैर हैं या किसी वृक्ष का तना? उसके चेहरे को तो देखो, वह स्वयं किसी बाघ राजा का अवतार लगता है। फिर बाघ स्वामी ने मुकुंद की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हें तो पता ही होगा कि गांव के शैतान बच्चे किस प्रकार ताजा अखबार का काम करते हैं। खबर फैलने की गति पेपर से भी तेज होती है। कुछ ही घंटों में पूरे शहर में मेरी उपस्थिति से खलबली मच गई। मैं संध्या के समय शांति से आराम कर रहा था, जब मैंने घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनी। मैं जहां रुका हुआ था वहां उन टापों की आवाज़ें आकर बंद हो गई। लंबे कद के पगड़ी पहने पुलिस वालों का एक दल अंदर आ गया। मैं भौचक्का था, इन पुलिस वालों के लिए कुछ भी संभव है। क्या पता वे मुझसे किस प्रकार का काम करवाना चाहते हैं। लेकिन अफसर ने अति विनम्रता के साथ मेरा अभिवादन किया। उन्होंने कहा, आदरणीय महोदय, कूच बिहार के युवराज ने हमें आपका स्वागत करने के लिए भेजा है। कल सुबह अपने महल में आने के लिए आमंत्रित किया है। मैंने इस पर कुछ सोच विचार किया। किसी अज्ञात कारणवश मेरी इस शांत यात्रा में मुझे यह एक विघ्न स्वरूप लगा। लेकिन जिस विनम्रता से उन्होंने कहा, मैंने साथ जाने की स्वीकृति दे दी। दूसरे दिन जिस राजकीय सम्मान के साथ मुझे चार घोड़ों वाले शाही कोच तक ले जाया गया, उसे देखकर मैं चकित रह गया। एक नौकर ने अलंकृत छाता मेरे सर के ऊपर तेज धूप से मुझे बचाने के लिए पकड़ा हुआ था। नगर से होते हुए बाहर जंगल की ओर की मेरी यात्रा बहुत सुखद थी। मुझे आनंद आ रहा था। युवराज राजमहल के द्वार पर स्वयं मेरा स्वागत करने आए थे। उन्होंने मुझे अपने स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर बैठाया और स्वयं कम सज्जायुक्त सिंहासन पर बैठे। यह विनम्रता निश्चित रूप से मेरे पर भारी पड़ने वाली है, मैं आश्चर्यचकित होकर सोच रहा था। कुछ अनौपचारिक बातचीत के बाद युवराज ने अपना उद्देश्य प्रकट किया। मेरे शहर में अफवाह है कि आप केवल अपने नंगे हाथों से जंगली बाघों के साथ लड़ सकते हैं, क्या यह सत्य है? मैंने कहा, हाँ यह सत्य है, मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। युवराज ने कहा, आप कलकत्ता में सफ़ेद चावल खाने वाले एक शहरी व्यक्ति हैं, सच सच बताइए, क्या आप बिना रीढ़ के लुंज पुंज भांग के नशे में चूर बाघों के साथ तो लड़ते नहीं आ रहे? युवराज की आवाज़ ऊंची और व्यंग भरी थी। उनकी व्यंग भरी मुस्कान मानो मेरा मजाक उड़ा रही हो। मैंने उनके इस अपमान का उत्तर देना जरूरी नहीं समझा। युवराज ने आगे कहना शुरू किया, हम हाल ही में पकड़े गए बाघ राजा बेगम के साथ लड़ने के लिए आपको चुनौती देते हैं। यदि आप उसका सफलतापूर्वक सामना कर सके, उसे बेड़ियों में बांध कर पिंजरे में कैद कर पाएंगे, तो हम आपको हजारों रुपए और अन्य पुरस्कारों से नवाजेंगे। और यदि आप उससे लड़ने के लिए इनकार कर देते हैं, तो हम आपको पूरे शहर में एक पाखंडी की तरह घोषित कर देंगे। उसकी अभद्र भाषा मुझे गालियों की बौछार की तरह लगी। मैंने गुस्से में उसकी बातें स्वीकार कर ली। मेरे हाँ करने की खुशी की उत्तेजना में आधे खड़े हुए युवराज एक कुटिल मुस्कान के साथ वापस बैठ गए। उसे देखकर मुझे रोम के राजाओं की याद आई, जो ईसाइयों को हिंसक पशुओं से लड़ाने में आनंद लेते थे। युवराज ने आगे कहा, एक हफ्ते बाद यहाँ पर युद्ध होगा। मुझे खेद है कि हम आपको लड़ाई से पहले बाघ को देखने की अनुमति नहीं दे सकते। हो सकता है युवराज को डर था कि मैं उसे सम्मोहित न कर दूं अथवा उसे भांग न खिला दूं, पर असल में मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं था। मैं राजमहल से बाहर आ गया। मैंने आश्चर्य के साथ देखा कि शाही छाता और बग्घी का कहीं अता पता नहीं था। युवराज तो छोड़ो, एक नौकर तक मुझे राजमहल के दरवाजे तक छोड़ने नहीं आया। पता नहीं क्यों इस बार अंदर से मेरा इस बाघ से लड़ने का दिल नहीं कर रहा था, पर क्योंकि मैं युवराज की राजधानी में था, इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी ये करना पड़ेगा। यहाँ पर एक कहावत याद आती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये कहावत पुरानी है और शक्ति की परिभाषा देती है, जिसकी ताकत ज़्यादा आखिरी फैसला उसका होता है। अगर आपको भी ऐसे बेहतरीन तरीकों को सीखना है जो इंसान के रूप में आपके व्यक्तित्व को शक्तिशाली बना दें, तो इसके लिए आप कुकू एफएम पर एक बुक समरी सुन सकते हैं, जिसका नाम है द 48 लॉ ऑफ पावर। यह पावरफुल बनने के बारे में दुनिया की सबसे बेस्ट किताब है। कुकू एफएम इंडिया का सबसे बड़ा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप हजारों किताबों को ऑडियो फॉर्म में सुनकर अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। वैसे तो इस प्लेटफॉर्म के पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन पड़ता है सिर्फ 399 रुपीज का, लेकिन आप में से पहले 250 लोगों को ये पड़ेगा सिर्फ 199 रुपीज का, अगर आप यूज करते हैं कूपन कोड WI50। ऐप को डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट पर मिल जाएगी। आइए अब अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं। बाघ स्वामी कुछ देर के लिए मौन रहे, फिर चंडी और मुकुंद की तरफ देखते हुए भारी आवाज में उन्होंने आगे कहना शुरू किया। अगले हफ्ते मैंने अपने मन और शरीर को आने वाली परीक्षा के लिए तैयार किया। अपने नौकर से मुझे
अनेक विलक्षण कहानियां सुनने को मिल रही थी। पिताजी के पास जिस संत ने भविष्यवाणी की थी वह भविष्यवाणी भी किसी प्रकार लोगों में फैल गई थी। कई गांव वालों का विश्वास था कि एक दुष्ट आत्मा जिसे देवताओं ने अभिशाप दिया था वह एक बाघ के रूप में है। वह रात्रि के समय दानवीय रूप धारण करता है लेकिन दिन में वह बेड़ियों में जकड़ा रहता है और इसी दानव स्वरूप बाघ को मुझे नीचा दिखाने के लिए भेजा गया है। दूसरी कल्पनाशील कहानी थी कि बाघों के अपने देवता से की गई प्रार्थना का उत्तर बाघ राजा बेगम के रूप में आ गया है। पूरी बाघ जाति को इतनी हानि पहुंचाने वाले इस दो पैरों वाले यानी मुझको दंडित करने के लिए उसे बनाया गया है। एक फर रहित पंजा रहित मनुष्य की इतनी हिम्मत जो नख पंजों से युक्त बलिष्ठ पैरों वाले बाघ को चुनौती दे। सभी अपमानित बाघों का जहर मिलाकर जैसा गांव वालों का कहना था कि बाघ को पालतू बनाने वाले इस अभिमानी पुरुष को दंडित किया जाएगा। मेरे नौकर ने आगे मुझे बताया कि युवराज स्वयं मानव और पशु के बीच होने वाले द्वंद्व का कार्यभार देख रहे थे। उन्होंने अपनी देखरेख में एक विशाल तंबू का निर्माण कराया जिसमें हजारों लोग समा सके। इसके केंद्र में राजा बेगम का पिंजड़ा था जिसके बाहर एक सुरक्षा कमरा था। पिंजड़े में शेर खून जमा देने वाली दहाड़े मार रहा था। उसकी भूख बढ़ाने के लिए उसे अल्प मात्रा में भोजन दिया जा रहा था। शायद युवराज चाहते थे कि उसका भोजन मैं ही बनूं। शहर और उसके आसपास से लोगों की टिकट लेने की आतुरता देखते ही बनती थी। ढोल पीट पीट कर इस अनोखी प्रतियोगिता का ऐलान हो रहा था। जिस दिन लड़ाई होनी थी सैकड़ों लोगों को टिकट ना मिलने की वजह से वापस जाना पड़ रहा था। लोग टेंट को फाड़ कर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। जिसको जहां जगह मिलती वह वहीं अटक जाता। राजा बेगम की कान फाड़ देने वाली गर्जना और भय से आक्रांत लोगों के कोलाहल के बीच मैंने शांत मन से तंबू में प्रवेश किया। मेरे शरीर में लंगोट के अलावा कोई कपड़ा नहीं था। मैंने सुरक्षा कमरे का दरवाजा खोला और फिर शांत ढंग से उसे बंद कर दिया। बाघ को खून की खुशबू आ गई। मुझे देखते ही बाघ अपने पिंजड़े के अंदर जोर जोर से उछला। यह देख लोगों ने तेज आवाज और तालियों से उसका स्वागत किया। उसके बाद दर्शकों के बीच दया भावना और भय से सन्नाटा छा गया। उस भयंकर और क्रोधित बाघ के सामने मैं एक बेचारा मेमना लग रहा था। पलक झपकते ही मैं पिंजरे में घुस गया, परंतु जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया वह उछलकर मेरे ऊपर आ गया और मेरे दाहिने हाथ पर एक जोड़ का पंजा मारा जिससे मेरे दाहिने हाथ से बहुत तेजी से खून निकलने लगा। मानव खून बाघ के लिए सबसे स्वादिष्ट दावत होती है जो कि मेरी बाहों से बह रहा था। आज जिंदगी में पहली बार मुझे इतना भयंकर घाव लगा था, वह भी लड़ाई की शुरुआत में। उस संत द्वारा कही गई भविष्यवाणी मुझे सत्य होती प्रतीत होने लगी, लेकिन मैं फौरन अपनी चोट से संभला। रक्त से भींगी उंगलियों को मैंने लंगोट में छुपा लिया और बाएं हाथ से हड्डी तोड़ प्रहार बाघ पर करने लगा। बाघ लड़खड़ा कर पीछे हट गया, फिर पलट कर अत्यंत क्रोध के साथ मुझ पर झपटा। मेरी प्रसिद्ध मुट्ठियों का प्रहार उसके सर पर होने लगा, लेकिन मेरे खून के स्वाद ने राजा बेगम के ऊपर एक उन्माद पैदा कर दिया था। जैसे एक शराबी शराब चखने के बाद उन्माद हो जाता है, उसी प्रकार बीच बीच में चिंघाड़ते हुए उसके प्रहार तेज होते जा रहे थे। वह और आक्रामक तरीके से मुझ पर हमला कर रहा था। मेरा एक हाथ घायल होने की वजह से उसके पंजों और दांतों के आगे अपना बचाव करना काफी नहीं था। मेरी आत्मरक्षा करने की प्रणाली कमजोर होती जा रही थी, परंतु फिर भी मैं उस पर तीखे प्रहार करता गया। दोनों ही रक्त रंजित होकर जीवन मरण का युद्ध लड़ रहे थे। पिंजरे में शोर था, चारों तरफ खून के छींटे उड़ रहे थे। बाघ के गले से दर्द की चीख फूट रही थी। गोली चलाओ, बाघ को मार डालो, गोली चलाओ, बाघ को मार डालो, दर्शक चीख रहे थे। लेकिन हम दोनों के लड़ने की रफ्तार इतनी तेज थी कि एक सिपाही के द्वारा चलाई गई गोली भी अपना निशाना चूक गई। मैंने अपनी पूरी ताकत के साथ उसके मस्तक पर एक अंतिम खोपड़ी तोड़ प्रहार किया। बाघ गिर गया और ठंडा होकर पड़ा रहा एक पालतू बिल्ली की तरह। राजा बेगम अंत में खत्म हो गया था, उसका शाही अभिमान चूर चूर हो गया था। मैंने अपने घायल हाथों से उसके जबड़ों को खोला। एक क्षण के लिए मैं अपना सर उसके खुले मुंह के अंदर ले गया। मैंने चारों तरफ बेड़ियों को देखा, एक के ऊपर एक रखते हुए मैंने बाघ को उसकी गर्दन से पिंजड़े की सलाख में बांध दिया और विजयी गर्भ से मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। लेकिन मूर्तिमान शैतान राजा बेगम किसी दानव की तरह अब भी जीवित था। एक झटके में ही उसने उस जंजीर को तोड़ दिया और वह मेरी पीठ की तरफ झपट पड़ा। मेरा कंधा उसके जबड़े में फंस गया। ऐसी स्थिति में मैं जोर से नीचे गिरा, परंतु पलक झपकते ही मैंने उसे अपने नीचे दबोच लिया और लगातार उसके जबड़े पर प्रहार करता रहा। मेरे निष्ठुर प्रहारों से वह मूर्छित हो गया। इस बार मैंने उसे अच्छी तरह से बांधा और फिर धीरे धीरे मैं पिंजरे से बाहर आ गया।
इस बार मैंने फिर से चीख पुकार सुनी। यह हर्षोल्लास का शोर था। भीड़ के चिल्लाने की आवाज मानो एक ही विराट गले से निकल रही थी। मैं भयंकर रूप से घायल था, लेकिन मैंने लड़ाई की तीनों शर्तें पूरी कर ली थी। बाघ को बेहोश करना, उसे जंजीर में बांधना, फिर बिना किसी सहायता के पिंजरे से बाहर आना। मैंने उस भयंकर बाघ को इतनी बुरी तरह से घायल और डरा दिया था कि मेरे सर का उसके जबड़ों के बीच होकर भी वह इस पुरस्कार को ग्रहण नहीं कर सका। मेरे घावों की मरहम पट्टी होने के बाद मेरा सम्मान किया गया और मुझे हार पहनाए गए। सैकड़ों सोने के सिक्के मेरे ऊपर बरसाए गए। पूरा शहर उत्सवमय हो गया। मेरी सबसे खतरनाक और हिंसक जीव पर विजय, इसके बारे में अंतहीन चर्चाएं सुनाई देने लगी। वचन के अनुसार राजा बेगम मुझे दे दिया गया, जिसकी मुझे कोई खुशी नहीं हुई। इस घटना के बाद मेरे अंदर एक आध्यात्मिक बदलाव ने प्रवेश किया। मैंने उस पिंजरे से अंतिम बार बाहर निकलने के साथ ही अपनी सांसारिक इच्छाओं का द्वार भी बंद कर दिया था। लड़ाई के वजह से लगे गहरे घावों की वजह से अगले कुछ दिन बहुत ही वेदना और दुख के साथ बीते। 6 महीने तक मैं खून के जहरीले होने की वजह से मृत्यु से लड़ता रहा। जैसे ही मैं कूच बिहार छोड़ने लायक हुआ, मैं अपने गांव वापस आ गया। मेरे पिता के सामने उन संत के द्वारा की गई भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हो गई थी। इसीलिए मैंने मन ही मन उन संत को अपना गुरु मान लिया था, और मेरी इच्छा सच्ची थी, क्योंकि एक दिन वही संत बिना किसी सूचना के मेरे घर आ गए। बाघ को पालतू बनाना अब बहुत हुआ। उन्होंने बहुत ही शांत और अधिकारपूर्ण वाणी में मुझसे कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें मानव मन के जंगलों में घूमने वाले अज्ञान के पशुओं को वस में करना सिखाऊंगा। तुम्हें दर्शकों की आदत हो गई है, अब योग अभ्यास में तुम्हारी रोमांचक विजय पर देवताओं की गैलेक्सी तुम्हारे साथ नाचेगी। मेरे दिव्य संत ने मुझे आध्यात्मिक पाठ की दीक्षा दी। उन्होंने मेरे आत्मा के द्वार, जो बहुत समय तक उपयोग में ना लाए जाने के कारण जंग लगे और सख्त हो गए थे, उन्हें खोल दिए। जल्द ही हम दोनों एक दूसरे का हाथ थामे मेरी साधना के लिए हिमालय की ओर निकल गए। यह कहानी खत्म होने के बाद चंडी और मुकुंद ने स्वामी जी के चरणों में सष्टांग प्रणाम किया। बाघ स्वामी के तूफानी जीवन की एक झलक दिखाने के लिए उन दोनों के मन में उनके प्रति आभार था। ठंडे बरामदे और लंबी प्रतीक्षा का प्रतिफल उन्हें बहुत अच्छे ढंग से मिल चुका था। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको बाघ स्वामी की यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। और हाँ, एक बार फिर याद दिला दूं कि कुकू एफएम ऐप पर द 48 लॉ ऑफ पावर बुक की हिंदी में बुक समरी सुनना ना भूलें, और 50% डिस्काउंट के लिए आप WI50 कूपन कोड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।